सुबह 7:30 बजे। हाय, मैं हूँ विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश एक अच्छा इंसान बनने की। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो फटाफट से फ्रेश होते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था कि एक ऑडिशन आने वाला था, तो आया नहीं। तो अभी जब मैं उठ के देख रहा हूँ तो एक ऑडिशन आया हुआ है। तो सर ने, मुझे लगता है सर, मॉर्निंग में 4 बजे भेजा है वो ऑडिशन। तो चलो, अच्छी बात है ऑडिशन भेजा है। तो फटाक से फ्रेश हो जाता हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट करता हूँ क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है। उसके बाद फिर ऑडिशन बना के भेज देता हूँ मैं सर को। तो अच्छा रोल है, कुछ 2 पेज का है, लेकिन 1 पेज में कुछ डायलॉग्स नहीं है और दूसरे पेज में अच्छे खासे डायलॉग्स है, तो करने में मज़ा आएगा। तो ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद फिर रीडिंग करके बना के ऑडिशन भेज देता हूँ। चलते हैं ब्रेकफास्ट, देखते हैं क्या मिल रहा है। गन्ने का जूस तो फिलहाल बंद है, पीछे ही देख लिया था मैंने। तो अभी देखते हैं, इडली लूँगा नहीं तो पूरी भाजी लेके जाऊँगा। तो कुछ गर्म खाने का मूड है, तो चलते हैं फिर और देखते हैं क्या खाने को मिलता है ब्रेकफास्ट में। पूरी भाजी तो आज ब्रेकफास्ट में है पूरी भाजी, 10 रुपए का मिलता है। अंकल थोड़ा ज्यादा खुश हो जाता है, भाजी मेरे को ज्यादा दे देता है। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बाहर बैठ के ऑडिशन प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि अंदर जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, रूममेट्स, वो सोए हुए हैं। तो बाहर ही बैठ के फटाक से ऑडिशन पढ़ लेता हूँ क्या क्या बोलना है, और उसके बाद फिर देखते हैं, उठ गए तो ऑडिशन बना के भेज देता हूँ जल्दी से। सुबह 10:30 बजे। है और मैंने भेज भी दिया है, तो देखते हैं अभी सर का क्या रिप्लाई आता है। तो क्यू देने वाला कोई नहीं था, तो अपना खुद ही ट्राइपॉड पे लगा के बना दिया मैंने, ये फ्रेंड का ही है मेरे। तो अभी देखते हैं, भेज तो दिया है, अगर उनका रिप्लाई आता है फिर से बना के दो, तब तक अगर मेरा दोस्त आ जाता है तो उसे क्यू ले लूँगा, नहीं तो फिर अगर ओके बोल दिया तो ठीक ही है, नो टेंशन, बना के तो भेज दिया है मैंने। तो अभी देखते हैं क्या होता है। दोपहर 2:50 पर तो मैं पहुंच चुका हूं अभी आराम नगर पार्ट 2 में। तो चल के देखते हैं कहां कहां पे ऑडिशन चल रहे हैं। तो जो ऑडिशन दिया था उसका रिप्लाई तो आ चुका है, तो वो ओके हो चुका है। तो चलते हैं और दूसरा कुछ ऑडिशन देखते निकल। तो आज शनिवार है तो बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने लोग मिलेंगे वो लोग देखते हैं मिल के। तो आज शनिवार है तो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर अभी ठीक से मिले नहीं हैं, तो भी कोशिश रहेगी शाम तक कुछ ना कुछ ऑडिशन ढूंढने की। तो चलते हैं, ऐसे ही धूप भी बहुत तेज की गिर रही है, चलते हैं और दूसरे किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं, क्योंकि आते जाते कोई ना कोई तो टकरा ही जाता है गलियों में। तो चलते हैं फिर और मिलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से। शाम 5:50 पर उनके थोड़ा सा थक चुके हैं, तो थोड़ा सा अभी वेट कर रहे हैं कास्टिंग ऑफिस के बाहर, पारंग मेहता सर का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं कुछ कास्टिंग डायरेक्टर मिलते हैं क्या। तो आज शनिवार है तो बहुत कम लोग ही आते कास्टिंग डायरेक्टर, वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं, रुके कुछ 10-15 मिनट कोई मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से फिर अब शाम भी होने आ चुके हैं, तो डायरेक्ट गुरुद्वारे की तरफ निकल जाऊँगा। तो देखते हैं, वक्त वकार भाई भी मिल चुके हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी तुझे वीडियो में, वकार भाई किधर। हाँ अच्छा, कल एक बंदा मिला तो बोला रहे वकार भाई कहाँ है अच्छा आपके साथ, बोला वो आए नहीं आज। तो चलते हैं और
देखते हैं किसी कास्टिंग ऑफिस कुछ। वाकर भाई तो अभी निकल जाएंगे जॉब पे ना, बस थोड़ी देर और आधे घंटे में, तब तक आधे घंटे पिच मार लेते कास्टिंग डायरेक्टर को। रात 8 बजे दौरे में गया था थोड़ा सा सेवा करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी सेवा हो चुकी थी तो मैंने बोला जाके फिर फायदा ही नहीं है, तो वहाँ से फिर डायरेक्ट निकल आया। तो कुछ आधा एक घंटा बचा हुआ था तो सोचा चलो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर से मिले थे, तो शनिवार है तो ज़्यादा कोई कुछ मिला ही नहीं, तो वापस अभी जा रहा हूँ गुरुद्वारे और वहाँ जाके खाना पीना लेके फिर घर की तरफ, तो चलते हैं फिर। रात 9 बजे फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ, तो बहुत जोर की भूख लगी है तो खाना वीना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मूवी देखना, रीडिंग करना, जो कुछ करना रहेगा वो करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।